हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। तो भी एक मैच होने वाला है अर्जेंटीनियन लीग का, तो एसएआर वर्सेस आरओएस के बीच। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई बड़े मैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं फुटबॉल के। देखो क्रिकेट के तो स्टार्ट हो ही रहे हैं, क्रिकेट के तो चलो सीरीज ही है, अच्छी अच्छी सीरीज चल रही है अलग अलग कंट्रीज़ की, वो तो छोड़ दो। लेकिन यार फुटबॉल में आपको मैं बता दूँ, ये देखो चाइनीज़ लीग, कोरियन लीग, सऊदी अरेबियन लीग, फिर चाइनीज़ लीग, कभी ये कभी वो, तो ये बहुत बेकार लीग्स लगती हैं एक्चुअली। ये तो मैं खेलता भी नहीं था, ये मेरी मजबूरी बन चुकी है इनको खेलना, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि दिन में अगर हम एक भी मैच नहीं कवर करेंगे रिदम ही टूट जाएगा, इसलिए भाई मैं वीडियो इसकी डाल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, अर्जेंटीनियन लीग का जो मैच हो रहा है ऑलमोस्ट यार आपको पता ही है, एक साल पहले ये लीग कवर कर चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। हर साल में दो महीने ऐसे आते हैं जब मैच नहीं होते, तो ये तो चलता रहता है, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। बात करें गोलकीपर की, शेरवियो इज़ अ ग्रेट पेनल्टी सेवर, पेनल्टी बहुत अच्छी रोकता है। अगर मान लो कि गलती से आरओएस से फाउल हो जाता है और पेनल्टी सेवर ये होता है, तो शेरवियो पे एक उम्मीद रहती है कि हाँ भाई ये गोल रोक सकता है। इसलिए शेरवियो से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, शेरवियो को जरूर लेना, ये मत समझना कि शेरवियो को छोड़ के इससे कोई और प्लेयर ले लो। एंड आगे से अगर बात करें एफ गैब्रियल ओर्टेगा की, एफ गैब्रियल ओर्टेगा एसएआर का सबसे मेन प्लेयर है। एक्चुअली वी गोमेज भी मेन है, मैं मानता हूँ वैलेंटिन गोमेज के भी खेलने का तरीका एकदम अलग है, लेकिन एफ गैब्रियल आ जाता है प्रॉपर मेन प्लेयर, जिसके बिना मतलब टीम की शुरुआत भी नहीं होती। मैं आप मानेंगे नहीं, अगर मैं आरओएस को भी फेवर कर रहा होता तब भी मेरी टीम के अंदर एफ गैब्रियल ओर्टेगा होता, इसलिए ये तो मेरी नज़र में एकदम कीमती प्लेयर है, इंपॉर्टेंट। आगे से अगर बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर एमुनल इंसाऊ, एमुनल इंसाऊ की जगह हो सकता है कि एम डे लॉस सेंटोस खेल ले, या हो सकता है कि ये एक प्लेयर है लोटारो, इसको भी चांस दें। तो अभी अगर आपने लोटारो को सेव करना है, आप इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि चार डिफेंडर खेलेंगे और चार में से मैंने चारों ही एसएआर के डिफेंडर लेने, अभी तक तो यही है, बाकी देखते हैं अगर कोई बदलाव होगा। और एल जारा की बात करें, यहाँ पर लियोनार्डो जारा को अभी खेलने का तरीका एकदम डिसेंट है और खेलता भी बहुत अच्छा है, तो ये चारों प्लेयर हमारे हो जाते हैं। आगे से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, लुकास जेनसन, बात आती है पेनल्टी की, तो सेकेंडरी पेनल्टी टेकर है लुकास जेनसन। मान लो अगर पेनल्टी आ जाती है और भगवान ना करे कि एल प्रेटो सब्स्टिट्यूट होता है उस वक्त, तो पेनल्टी दी जाएगी जेनसन को, क्योंकि जेनसन इनका सेकेंडरी पेनल्टी टेकर है और जेनसन ज़्यादा जल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, क्योंकि या इंजरी विंजरी ना हो तो शायद सब्स्टिट्यूट भी ना हो। और डब्ल्यू मोंटायो की बात करें, वाल्टर मोंटायो को तो अच्छी तरह जानते होंगे भाई, आरओएस टीम इतनी भी मतलब कोई भी टीम नहीं है, पता तो होगा इस बारे में, नहीं पता तो आपको बता दूं कि मोंटायो मेन मिडफील्डर है। आपको पता है मैंने यैकब नहीं लिया, अभी यैकब को छोड़ना है तो रिस्क बहुत बड़ा। कई लोग समझ रहे होंगे मैंने बेधड़क छोड़ दिया, भाई ऐसा नहीं है, मैं अंदर से डर भी रहा हूं कि मैंने प्लेयर छोड़ा हुआ है, पर मैंने किसके लिए छोड़ा है, लुसियानो फरेरा। अब लुसियानो फरेरा और यैकब में से एक आएगा, अभी तो हमने ओजेडा की बात नहीं की, चलो ओजेडा तो फिर इतना खास नहीं है, इसको छोड़ा कोई टेंशन नहीं, लेकिन यैकब और फरेरा में अब आप पे डिपेंड है, आपने रिस्क लेना है कि नहीं। अगर आपने रिस्क लेना है देन फरेरा के साथ जाइए, लेकिन अगर आपने सेफ जाना है, अगर आपको लगता है कि आरओएस का कोई भी प्लेयर कुछ नहीं करेगा, तो अगर आपको पॉइंट्स मेंटेन कर लोगे तो इसके साथ जा सकते हो। और आगे से मैं कुछ अनदर प्लेयर्स बता दूं, तो यार देखो नीचे से ना कुछ प्लेयर्स हैं, इनको चांस मिलेगा तो ये तो हर बंदा चाहेगा कि मैं गोल करूं। तो आप ग्रैंड लीग के अंदर जैसे कि एक इनका प्लेयर है, एक ये खेलता है इनका लुकास ओरेलानो, अब ये खेलेगा तो जीएल में एक आधी टीम में ट्राई कर लेना, मतलब ये तो चलो ट्रायल है। आगे से बात करें गांबा की, गांबा ने एक मैच हुआ था, सेकेंड लास्ट मैच हुआ था 6 दिन पहले, जिसके अंदर गांबा को पेनल्टी आई थी और गांबा ने पेनल्टी मिस कर दी थी, जिसके कारण गोल नहीं हो पाता। और लुकास प्रेटो की बात करें, एसएआर का मेन स्ट्राइकर है ये और वो आरओएस का मेन स्ट्राइकर है, तो गांबा एंड प्राटो आर द मेन प्लेयर्स। और आगे से बात करें ओसारियो की, अभी आप एबीएल ओसारियो को ले लीजिए, बेकार प्लेयर है वैसे, मैं तो अंदर से चाहता था कोई और प्लेयर लेना, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्रेडिट इशू, उसको भी देखना है। आगे से बात करें कैप्टन की, माय कैप्टन वॉज प्रेटो एंड वाइस कैप्टन वॉज जेनसन। ये है एक रिस्की टीम जिसमें कि हम सिंगल साइड हैं, हम बेधड़क जा रहे हैं। एक मैं आपको और टीम दे देता हूँ, ध्यान से सुन लो, कई लोग बोलते हैं सेफ दिया करो, अब सेफ टीम ले लो, सेफ टीम में कुछ नहीं करना आपने, आपने एक प्लेयर है जारा, जारा की जगह आपने एक प्लेयर लेना है जो कि इनका प्लेयर है फर्नैंडो टोरेंट, ठीक है। देखो डीएल बटो नहीं आएगा मेरी टीम में, एफ अल्माड़ा नहीं आएगा मेरी टीम में, थोड़ा सा रिस्क है बट कोई बात नहीं, इतना रिस्क चलता है। और यहाँ से आपने आगे से ले लेना है, कैप्टन आपका वही रहेगा प्रेटो, वाइस कैप्टन गांबा को रख लेना, ये है मेरी सेफ टीम। अब आप देख लो आपने रिस्की के साथ जाना है सेफ, बाकी वाइस कैप्टन दोनों अच्छे हैं, गांबा को रखोगे तो थोड़ा उल्टा रिस्की है, मतलब सेफ है लेकिन सिर्फ इस प्लेयर के कारण। और अगर आप इसके साथ जाओगे जेनसन, ये भी ठीक है। अब आप देख लो पहले वाली के साथ जाने की, इसके अगर मेरी राय मानो तो पहले वाली के साथ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी रिस्की मैच है, थोड़ा रिस्क और ले लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, उल्टा अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा, तो मैं प्रेफर करूँगा इस टीम के साथ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।